हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे बायोलॉजी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने इसके इंडेक्स क्वेश्चंस कवर कर लिए थे और आज हमें इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो बैक के क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करने हैं। सो पेज नंबर 67 पे ये बैक क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं। इनका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। ये मैंने लास्ट जो मैंने थ्योरेटिकल वीडियो बताई थी, मतलब जहाँ पे मैंने चैप्टर की थ्योरी समझाई थी, उसके लास्ट में ये दोनों डिफरेंस मेंशन कर दिए थे। तो ये दोनों क्वेश्चंस वहाँ पे हो रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो देख के ये वाले आंसर्स लिख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। मतलब सेम मीनिंग है, रप्चर हो जाती है मतलब खराब हो जाती है, या ब्रेक डाउन हो जाती है टूट जाती है। सो क्या होता है? तो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर बाउंड्री होती है, जो सेल के कंटेंट को अंदर रखती है और आउटर एनवायरनमेंट को सेल के बाहर रखती है। ठीक है, मतलब जैसे हमारी स्किन है ना, वैसी सेल का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको सोचिए, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो उसकी आउटर कवरिंग है वो टूट जाएगी तो क्या होगा? उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो आसानी से बाहर जा सकता है, बाहर का जो कंटेंट है वो ईजिली अंदर आ सकता है ना। सो इफ़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, द मॉलिक्यूल्स विल फ्रीली मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। आराम से वो सेल के बाहर सेल के अंदर जा सकते हैं। दूसरी चीज़ की कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोसिस को होने के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे सेल के केस में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी वो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रप्चर हो गई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही टूट गई है, तो वहाँ पे कोई ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन नहीं होगा। और जब ये सब हो ही नहीं रहा, कोई भी ऑर्गन अंदर, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल सेल के बाहर जा रहा है, तो सेल अपना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली द सेल विल डाई। सो नो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इन द सेल विल टेक प्लेस एंड हेंस द सेल विल डाई। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू अ सेल इफ देयर इज नो गॉल्गी एपरेटस। अगर एक सेल में कोई गॉल्गी एपरेटस नहीं है तो क्या होगा? देखो, इन जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये किसी पे भी आ सकते हैं, किसी भी सेल ऑर्गेनल पे, कि गॉल्गी एपरेटस नहीं है तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या होगा, प्लास्टिड्स नहीं है तो क्या होगा। सो इसके लिए आपको हर किसी का फंक्शन याद रखना ज़रूरी है। तो गॉल्गी एपरेटस का क्या फंक्शन होता है? गॉल्गी एपरेटस का फंक्शन था स्टोर करना सामान को, पैकेज करना और मैन्युफैक्चर करना उस सामान को जो ER में सिंथेसाइज होते हैं, मतलब ER में बनते हैं। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। सो फंक्शन ऑफ गॉल्गी एपरेटस वॉज इज टू स्टोर पैकेज एंड मैनुफैक्चर द सब्सटेंस सिंथेसाइज नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर गॉल्गी एपरेटस नहीं होगा तो ये सारे फंक्शंस नहीं होंगे। सेल विल बी डिसेबल्ड फ्रॉम पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग मटेरियल्स। मतलब जो मटेरियल ER के पास सिंथेसाइज हुआ है वो वहीं रह जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा सेल के दूसरे पार्ट्स में। अब जब वो सामान ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ तो सेल को वो मिला नहीं, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे पहुँचा नहीं, जिससे क्या होगा, नो न्यू सेल्स विल बी फॉर्म, नए सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। सो हेंस इन द एब्सेंस ऑफ गॉल्गी एपरेटस सेल विल बी डिसेबल्ड फ्रॉम पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग मटेरियल्स, नो न्यू सेल्स विल बी फॉर्म्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। कौन से ऑर्गेनल को हम पावर हाउस कहते हैं सेल का एंड वाई? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं सेल का, और क्यों कहते हैं? इट इज़ बिकॉज इट रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। मतलब सेल को जो भी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं लाइफ को, मतलब अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, लाइफ जिंदा रहने के लिए बेसिकली, सो जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया विच कन्वर्ट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड सप्लाइज इट टू द सेल। तो जब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हर जगह पूरे सेल में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो हम ऑफ कोर्स इसे पावर हाउस कहते हैं सेल का, क्योंकि यहीं से ही सेल के पास सारी एनर्जी जा रही है, सारी पावर जा रही है ताकि वो अपना काम कर सके। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट रिलीजेज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में रिलीज होती है, और इसीलिए ATP को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं सेल की। जिसके पास जितना ज़्यादा ATP होगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, मतलब उसमें इतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी काम को करने के लिए। एंड ये जो ATP है ये कौन सिंथेसाइज कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सिंथेसाइज करके एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है या पावर प्रोवाइड कर रहा है। सो इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर आर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट्स सिंथेसाइज्ड। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन है, हमसे सिर्फ ये पूछा है कि जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज किए जाते हैं। सो इसका सिंपल हम आंसर लिख सकते हैं, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ER में। ठीक है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड. सो अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जहाँ पे एनिमल्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू वो एनिमल सेल अपना फूड एक्वायर करता है. ठीक है, हमने जब सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो सेल मेम्ब्रेन में वहाँ पे मैंने लिखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है एनिमल सेल्स. ऑफ कोर्स एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है सिर्फ जो फ्लेक्सिबल होता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी उसको हेल्प करती है फूड को कैप्चर करने के लिए. तो ये जो अबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की कि वो फ्लेक्सिबल है फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, इसी को तो हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं. वट इज़ एंडोसाइटोसिस? द प्रोसेस बाई विच एन एनिमल सेल ऑब्टेन्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन. अमीबा भी यही करता है. अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. ठीक है, अमीबा क्या करता है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो फूड के पास जाता है, फूड के आसपास एक लेयर बनाता है और अल्टीमेटली उस फूड को कैप्चर कर लेता है. सो यही चीज़ हमें आंसर में लिखनी है, अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. एज इट्स सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, फूड पार्टिकल्स आर इंगल्ट फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल गर्डलिंग इट. गर्डलिंग इट मतलब देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास अमीबा है और यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, तो क्या होगा, अमीबा इसके पास जाएगा और इसके पास एक ऐसे लेयर्स ही बना लेगा जो धीरे धीरे करके इस पूरे वैक्यूल मतलब इस पूरे फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेगी. कैप्चर कर लेगी तो मतलब कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगी. एक मिनट में दोबारा बना देता हूँ. मतलब जब अमीबा उसको कैप्चर कर लेगा तो कैसी शेप आएगी, ये हमारा अमीबा था नॉर्मल, ठीक है, ये फूड पार्टिकल के अंदर चला गया. अब धीरे धीरे ये पूरा लेयर ऐसे कवर हो जाएगी, ये फूड पार्टिकल पूरा अमीबा के अंदर आ जाएगा और जो ये बीच में एम्प्टी स्पेस है ये वैक्यूल बन जाएगा. ठीक है, वैक्यूल एम्प्टी स्पेस ही तो होता है. सो अमीबा ने क्या किया, अपने बीच में एक वैक्यूल बना लिया जहाँ पे फूड पार्टिकल है. अब यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज होंगे, फूड पार्टिकल को ईट करेंगे एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो रिलीज हो जाएंगे. सो ये पूरा प्रोसेस होता है अमीबा की डाइजेशन का. अमीबा ऑब्टेन्स इट फूड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, फूड पार्टिकल को इंगल्फ करती है, फूड वैक्यूल बना लेती है, और फूड वैक्यूल बनाने के बाद जो अमीबा है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रीट करके, इट सेक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड जो डाइजेशन है वो पूरी हो जाती है. ये जो बीच में मैंने स्टेप बताया था यहाँ पे, मैं दोबारा बना देता हूँ. ये वाला जो स्टेप था जहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, मतलब ये कम्प्लीटली कवर नहीं हुआ है अभी, ये धीरे धीरे पूरा कम्प्लीटली कवर हो जाएगा, लेकिन जो इतना इतना है जो मैंने बोल में बनाया इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, स्यूडो मीन्स फॉल, पोडिया मीन्स फीट. ये एक फीट जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं फॉल्स फीट. सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा विच इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा जाता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा. सो हमें यही लिखना है, अगर छोटा आता तो ये लिखना है, बड़ा आता तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसे, मोस्टली बड़ा आएगा नहीं, इतना ही आएगा. एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है? सो जिनको भी अभी भी कन्फ्यूजन होती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है. सो ऑस्मोसिस इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन जहाँ पे मटीरियल जो होता है वो सिर्फ वाटर होता है. जैसे डिफ्यूजन में तो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है ना, ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर होता है और वो पास करता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में, बट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन में भी हाई से लो जाता था बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भी ज़रूरत पड़ती है. सो ऑस्मोसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब देखो, ऑस्मोसिस की जगह डिफ्यूजन लिख दो, क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, वाटर मॉलिक्यूल की जगह एनी सब्सटेंस आ जाएगा और ये थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये हट जाएगा. अगर हम ये दोनों चेंजेस कर देते तो ऑस्मोसिस की जगह डिफ्यूजन बन जाएगा. ठीक है, सो द डिफरेंस इज दैट कि डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में किसी भी सब्सटेंस का, और ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में सिर्फ वाटर का और थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन.
सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. लास्ट, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. दो तरीके की हमने सेल डिवीजन पढ़ी थी, दोनों ही हमसे पूछे कि जो दो हमने पढ़ी थी उसमें से कौन सी यूज होती है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए बॉडी के, कौन सी यूज होती है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के लिए. गैमेट्स मतलब जो रिप्रोडक्शन के वक्त काम आते हैं. सो माइटोसिस इज द सेल डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी, जहाँ माइटोसिस क्या करता है, एक सेल दो में डिवाइड होता है, उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और ये जो डेड एंड डिकेइंग सेल्स हैं, जो खराब सेल्स हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं. सो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन का यूज़ होता है. सेकेंड पार्ट, जो गैमिट फॉर्मेशन होती है वहाँ पे मियोसिस का यूज़ होता है. मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स. ठीक है, मियोसिस के केस में एक सेल दो से ज़्यादा में डिवाइड होता है, क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हो जाता है. सो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, जो होती है मियोसिस. एट्थ और टेंथ क्वेश्चन क्या था, नाइन्थ क्वेश्चन नहीं बताया था. नाइन्थ क्वेश्चन में पहले तो बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब वो एक्टिविटी हमें दे रखी है, तो वो आप बुक से पढ़ सकते हैं. उसमें बेसिकली ये बोला है कि हमारे पास चार वीकर थे ए बी सी डी, हमने सब में बीन्स डाले, मतलब रात वो कुछ भी डाला, मतलब कोई भी सीड डाला, वो आपकी बुक में मेंशन हो रखा है एनसीईआरटी में. तो उसके बाद हमें चार पार्ट बोले, हमें बताना है कि जो हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं वहाँ पे, वो ऑब्जर्वेशन का रीज़न क्या है. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि वाटर जो है वो हॉलो पोर्शन में गैदर हो जाता था, बी एंड सी के, बी एंड सी का जो हॉलो पोर्शन है सीड का, वहाँ पे गैदर हो जाता था. सो इसका रीज़न क्या है, वाटर जो है वो हॉलोड पोर्शंस ऑफ बी एंड सी में इसीलिए इकट्ठा हो जाता था क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन में डिफरेंस था. ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन में डिफरेंस था मतलब जो बाहर पानी था वो ज़्यादा था, जो अंदर पानी था वो कम था. ठीक है, जो वाटर बीकर में था वो ज़्यादा था और जो वाटर बीकर के अंदर था, सॉरी सीड के अंदर था, वो कम था. सो वाटर ने क्या किया, सीड के बाहर से सीड के अंदर जाना शुरू कर दिया, तो जितनी भी हॉलो कैविटीज़ थी उस सीड के अंदर वो सारी कवर हो गई. और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दिस सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक, हेंस वाटर एंटर्स द सेल. सेकंड, व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. पोटैटो ए में ये था कि पोटैटो ए में हमने बस नॉर्मल एक सीड रख दिया था, हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं करे थे, मतलब उसमें जो कंसनट्रेशन थी वो बिल्कुल ख़त्म थी. तो हमने मतलब ये हम सब पोटैटो में सीड बोल रहा था, यहाँ पे पोटैटो की बात हुई है, तो वही मतलब अगर सीड होता तो भी यही चीज़ थी, पोटैटो है तो भी यही चीज़ है. पोटैटो में भी कैविटीज़ होती हैं, वो कैविटीज़ कवर अप हो जाती हैं ड्यू टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ये मैंने फर्स्ट पार्ट बताया. सेकेंड पार्ट में पोटैटो ए क्यों नेसेसरी था इस एक्सपेरिमेंट के लिए. पोटैटो ए इसलिए नेसेसरी था ताकि हम बी सी और डी में जो वो हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, हम उनको रिलेट कर सकें. ए जो है ये वेरीफाई करता है कि बिना वाटर की कंसनट्रेशन के चेंज के बगैर कोई वाटर मूवमेंट नहीं होती. मतलब जैसे केस ए में क्या था, हमने सिर्फ पोटैटो लिया था, वाटर नहीं लिया, तो इस केस में जो कैविटी है पोटैटो ए की वो भरती नहीं है. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो पोटैटो कैविटी है वो अपने आप में एसेंशियल नहीं है वाटर की मूवमेंट के लिए. ठीक है, वाटर मूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि बाहर हायर कंसनट्रेशन हो और अंदर लोअर कंसनट्रेशन हो. तो ये चीज़ हमें पोटैटो ए से पता चल रही है. लास्ट बोला था कि पोटैटो डी में, मतलब जहाँ पे हमने वाटर ऐड किया है, पोटैटो ए में ही ऐड नहीं करा था, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आया. बी और सी में ऐड करा था, वहाँ चेंज आया. डी में भी ऐड करा था लेकिन वहाँ कोई चेंज नहीं आया. तो क्यों नहीं आया, ए का तो मैंने आपको बता दिया, ए में क्यों चेंज नहीं आया. ए कप डज नॉट शो एनी चेंज इन द वाटर फ्लो कंसनट्रेशन फॉर ऑस्मोसिस टू अकर विच रिक्वायर्स कंसनट्रेशन टू बी हायर देन द सेल. ए के केस में जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए ना सेल से, ताकि कैविटीज़ को भर सके, बट वो ज़्यादा नहीं थी तो कैविटीज़ फिलअप नहीं हुई, इसीलिए ए में कोई चेंज नहीं आया. ए का तो चलो ठीक है, डी में कोई चेंज क्यों नहीं आया, डी में तो हमने वाटर भी डाला था. तो डी के केस में क्या है, जो सेल्स थे कप डी में वो डेड थे. ठीक है, ये मेंशनड है, जो कप थे सेल डी में वो डेड थे. अब डेड हैं तो कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी नहीं उनके पास, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं थी तो ऑस्मोसिस नहीं हुआ, ऑस्मोसिस नहीं हुआ तो वाटर अंदर बाहर नहीं हुआ, वाटर अंदर बाहर नहीं हुआ तो अल्टीमेटली जो सेल की जो मतलब जो पोटैटो की कैविटीज थी वो फिलअप नहीं हुई. सो इसी के साथ यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के सारे इंडेक्स क्वेश्चंस कवर कर लिए. ठीक है, ये जो नाइन्थ वाला क्वेश्चन था ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बेसिकली, ये बस अगर आपको काम मतलब करना होता है कॉपी में तो आप यहाँ से लिख के कर सकते हैं.
बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला सिर्फ एक रैंडम एक्टिविटी है जो हमें वेरियस सिनेरियोस बता रही है हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़े थे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी का टिश्यूज़ वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।